जय श्री राम दोस्तों, SSC मैथ कोचिंग में आपका स्वागत है। आज 4 अगस्त 2020 के जितने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे हम आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। यदि आपको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगे दोस्तों जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलते दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया गया है। यह हर सावन के पूर्णिमा में मनाया जाता है। और संस्कृत का शुरुआत कब से हुआ था? संस्कृत का शुरुआत लगभग 3500 वर्ष पहले हुआ था। और विश्व संस्कृत दिवस कब मनाना शुरू हो गया? तो विश्व संस्कृत दिवस 1969 से मनाने शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्नि सम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च की है? ये किस राज्य के? तो ओडिशा राज्य की सरकार ने। ये अग्निशम सेवा क्या है? जिसमें बड़ी बड़ी मकाने में फायर कैपेसिटी को झेलने की शक्ति के लिए अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। अब बात है ओडिशा, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। और ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मोहम्मद रफीक। और उड़ीसा में मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, हीरो टू एनिमल अवार्ड जो पेटर ने दिया था ओडिशा राज्य सरकार को। और उड़ीसा में ही सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चिल्का लेक है। और उड़ीसा में ही पीला कछुआ पाया गया था जो पाकिस्तान और श्रीलंका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशन पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है? तो ये मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने। कौन कौन? तो जबलपुर, भोपाल और नरसिंहपुर में। ये तीनों स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है। तो वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। और महाराष्ट्र में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना लॉन्च किया गया। और जीवन शक्ति योजना जो मास्क महिलाएं बनाएगी और 11 रुपये पर मास्क से शेयर करेगी। और इसी मास्क से संबंधित रोको और टोको अभियान चलाया गया है। जो व्यक्ति मास्क नहीं पहने होंगे तो उसको मास्क दिया जाएगा और उसके बदले यही जीवन शक्ति वाला योजना का मास्क दिया जाएगा और इसके बदले पैसा लिया जाएगा। और मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट के लिए किया गया है। और क्या है, संकल्प योजना उमरिया जिला में बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। और मध्य प्रदेश में मास्क एक जीवन अनेक योजना की पहल किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहाँ के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। और वहाँ के गवर्नर पहले थे लालजी टंडन, जो अब वर्तमान में मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। और लालजी टंडन के नाम पे लखनऊ के चौराहे और लखनऊ से हरदोई मार्ग को बदलकर उनके नाम पर रखा गया है, टंडन मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना? तो यूएई, यूएई बना। तो यूएई की कैपिटल क्या है? तो अबू धाबी। यहाँ जो परमाणु संयंत्र बना उसका 5.6 गीगावाट का है, 5.6 गीगावाट का। करेंसी क्या है? तो यूएई दिरहम। प्रेसिडेंट कौन है? तो खलीफा बिन जियाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, हाल ही में टाटा के स्वामित्व वाले जगुआर लैंड रोवर का सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सीईओ थियरी बोलेरो बने हैं। रतन टाटा ने जगुआर लैंडर रोवर को खरीद लिया था, तो इसलिए अब इनका स्वामित्व हो गया है। तो इसलिए जगुआर और रोवर लैंडर का अब नया सीईओ कौन बने हैं? तो थियरी बोलेरो
बोलेरो बने, थ्योरी बोलेरो बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, हाल ही में ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक लिखी गई, इसका लेखक कौन है? इसका लेखक मैथ्यू मैकोनाघी है, मैथ्यू मैकोनाघी है। और ऑप्शन में दिख रहा आपको हार्दिक सतीश चंद्र शाह, जो पीएम मोदी के निजी सचिव हैं। ये हार्दिक सतीश चंद्र शाह इसके पहले वे प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव थे, लेकिन अब ये निजी सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में थुडियुरु लिपापारा की पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल की दर्जा दिया गया, ये किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है। किस राज्य में है? तो केरल में। अब केरल की बात, केरल की मुख्यमंत्री कौन? पेनरई दिव्यांग। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो आर एस मोहम्मद। के प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया, इसमें गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति को लोगों को फ्री डाटा दिया जाएगा, इंटरनेट डाटा। और कर्नाटक में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग किया जा रहा। कोविड-19 के रोगियों के सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया गया है। और ब्रेक द कार्टून अभियान भी केरल में लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया था? इसका शुभारंभ डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किए हैं। रमेश मंत्री, ये क्या शिक्षा मंत्री है, और पीयूष गोयल कौन? रेल मंत्री। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीते हैं? तो इसको लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। कौन? ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी का खोज किया है? ये किस देश का? तो स्विट्जरलैंड देश का वैज्ञानिक ने शुक्र, जो वीनस पर सक्रिय ज्वालामुखी का खोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख कौन बने? तो पश्चिमी कमान के प्रमुख बीआर चौधरी बने हैं। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो राकेश भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने के मामले में शीर्ष रहा? किस देश के? तो भारतीय देश के लोग, जो 2019 और 20 का डाटा है। ऑस्ट्रेलिया में 38,000 भारतीय लोगों ने नागरिकता ग्रहण किया। तो अब बात है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो कैनबरा है। करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। पीएम कौन है? तो स्कॉट मॉरिसस। कहाँ के? तो ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीन लिक्यून को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो कहाँ? तो AIIB में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वेस्ट में। क्या चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था के अध्यक्ष चुना गया। किनको? तो जीन लिक्यू को। किसका अध्यक्ष चुना गया है? तो AIIB का। अब इसका स्थापना कब हुआ? तो 2006 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? तो चाइना के बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अरावली के पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग का नया तरीका अपनाया गया है? यह जो हरियाणा में अपनाया गया है, इसमें बीज का छिड़काव हेलीकॉप्टर या ड्रोन के द्वारा किया जाएगा। अब बात है हरियाणा, हरियाणा में क्या क्या है? तो हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, योगशाला जिसमें आयुष असिस्टेंट कितना है? 1000 है। आयुष कोच कितना है? तो 22 है। और समाधान विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू किया गया है। और हरियाणा में ही डबल केंटर वाला सुरंग बनाया गया है, जिसमें ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से दौड़ सकता है।
अब आता हरियाणा, हरियाणा के सीएम कौन? तो मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन? तो सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा में हरियाणा वाटर लॉन्च किया गया है, जो कम दामों पर ये पानी का प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीजों के बीच संवाद करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? तो उस रोबोट का नाम क्या है? तो रक्षक। अब बात है रेल, रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल। रेल के चेयरपर्सन कौन है? तो विनोद कुमार यादव। और एक भारत ऐप बनाया गया था, जो कहाँ? LAC पर लगाया था, लाइन लाइन एक्चुअल कंट्रोल पर लगाया गया था, जो किसने बनाया था? तो DRDO ने बनाया था। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।